दोस्तों, खून की कमी को आखिर हम पूरा कैसे करें, ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। आयरन की कमी होती है तो पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन का काम फेफड़ों से हवा लेकर ब्लड में घोलते हुए पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचना होता है, लेकिन जब ब्लड सही से नहीं बन पाता तो हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से धीमी हो जाती है और हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पहले इसके कारण क्या है, शरीर में खून की कमी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोषक तत्वों की जो कमी होती है शरीर में, उनके कारण अनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, ये सारे कारण हैं जिनके कारण अनीमिया रोग होता है और हमारे शरीर में ब्लड बनना रुक जाता है। तो चलिए, हम इसके लिए कौन से उपाय घर बैठे कर सकते हैं जिनसे ब्लड भरपूर मात्रा में बनेगा। सबसे पहले बात करेंगे अनार की। एक अनार हमें 100 बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। आपने जरूर सुना होगा, अनार के अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन से भरपूर आयरन होता है। अनार शरीर में खून की कमी को बेहद जल्दी पूरा करता है, यानी कि तीव्रता के साथ पूरा करता है। अगला है चुकंदर। चुकंदर शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने का रामबाण इलाज है। चुकंदर का जूस लगातार पीने से खून साफ रहता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती। चुकंदर में आयरन के तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे नया खून जल्दी बनने लगता है। बात करेंगे केले की। केले में मौजूद प्रोटीन, आयरन और खनिज शरीर में खून को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपके पूरे शरीर में बिजली जैसी फुर्ती देते हैं। तो दोस्तों, रोज कम से कम आपको 2 केले खाने चाहिए। बात करेंगे गाजर की। लगातार गाजर का जूस पीने, गाजर खाने से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। शादीशुदा जीवन के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है। बात करेंगे अमरूद की। पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती और जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में ब्लड आवश्यक मात्रा में बनेगा। अब बात करेंगे सेब की। अनीमिया से ग्रस्त लोगों के लिए सेब खाना बेहद लाभकारी है। सेब खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड संतुलित रहता है। अंगूर की बात करेंगे। अंगूर विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। अंगूर में ज्यादा आयरन होने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। अंगूर हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बात करेंगे संतरे की। संतरा विटामिन सी के अलावा हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। संतरा खाने से शरीर में न केवल खून बढ़ता है बल्कि खून साफ भी रहता है। बात करेंगे टमाटर की। टमाटर सब्जी ही नहीं बल्कि पौष्टिक और गुणकारी फल है। टमाटर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी होता है। टमाटर का सूप या टमाटर खाने से खून की मात्रा बढ़ती है, इसलिए आपके शरीर में ब्लड की आपूर्ति हो जाती है। बात करेंगे हरी सब्जियों और सलाद की। शरीर में आयरन की कमी दूर करने के लिए पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पुदीना, बथुआ, गोभी, खीरा, ये सारी चीजें खूब खाएं। शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां भोजन में शामिल करें। पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। बात करेंगे गुड़ की। दोस्तों, खून बढ़ाने के लिए गुड़ बहुत अच्छा विकल्प है। गुड़ एक प्राकृतिक खनिज है जो आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। ये विटामिन से भरपूर होता है। गुड़ शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। लगातार गुड़ खाने से पेट की समस्या से निजात मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो आप देख सकें।